हेलो गाइस, सो वंस अगेन हम लाए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइलिंग ट्यूटोरियल। सो जल्द से जल्द अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और हम मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो सेक्शन जहाँ पे अभी मैम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे एक लूज ब्रेड बना रहे हैं। एट द सेम टाइम हम पुलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए उस ब्रेड को थोड़ा ब्रॉड या थोड़ा पेटल्ड वाला लुक दे रहे हैं। अब जो क्राउन एरिया के हेयर है इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे सेक्शन वाइज बिकॉज बाल बहुत ही स्कैंटी है, पतले है, तो यहाँ पे हम लॉफ्टेड पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। जब भी गाइज आप पाउडर का यूज़ करते हो, इससे होता क्या है कि आपका बैककॉम्बिंग बहुत अच्छे से रूट्स पे स्टाइलिंग प्रोडक्ट आने की वजह से रूट्स थोड़े से स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़े हो जाते हैं। एंड दैट इज़ हाउ ये जो वॉल्यूम हम बनाते हैं बैककॉम्बिंग से वो दिन भर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो आप कोई भी कंपनी के पाउडर्स यूज करो, डजंट मैटर। यहाँ पे सारे बालों को अच्छे से हमने बैककॉम्बिंग भी कर लिया है और अब यहाँ पे ये जो हेयर है इसमें सिर्फ हाथों से हल्का सा टेक्सचर बनाया है, एक रबर बैंड टाई किया है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लूपिंग किया है। इससे होगा क्या कि ये जो डिजाइन मिली है हमें वो भी मिलेगी। एट द सेम टाइम विदाउट पिनअप हम कम से कम पिनअप में अच्छे से अच्छा स्टाइल करेंगे ताकि क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे कि हमें पिन का ज्यादा वेट नहीं लग रहा। अगेन नीचे के सेक्शन में भी हमने सेम चीज को रिपीट किया है और रिमेनिंग हेयर जो है इन सारे हेयर को लेके अगेन एक ब्रेड बनाएंगे लूजली। रिमेम्बर ये लूज होना चाहिए और थोड़ा इसको पुलिंग टेक्निक से हम ब्रॉडर लुक देंगे। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम हल्का सा रोल करते हुए इससे हम बेस बनाएंगे यानी कि जो हम बन बनाने वाले हैं तो इसको हम रैप करेंगे और इस तरह से यहाँ पे पिनअप करेंगे ताकि एक सिक्योर्ड सेफ बेस मिल जाए। आगे के बाल में अगेन हम एक सेक्शन लेंगे, बैककॉम करेंगे एंड सारे बालों का जो पूरा हम अपवर्ड्स लेंगे। इसमें हमने हाथों से ही टेक्सचर बनाया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत स्कैंटी हेयर है बट फिर भी पतले भी है, टेक्सचर भी बहुत लाइट है बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुली ये रिजल्ट आया है। गाइज अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर अपने कमेंट्स भी छोड़ें। अब यहाँ पे हम लूप टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ब्रेड्स जो हमने बनाए हैं इन्हें एक दूसरे में से हम इंटरलॉक कर रहे हैं। इस तरह से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मेसी टेक्सचर्ड बन मिलेगा और ये काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी क्विक हेयर स्टाइल है तो हम इसे डेफिनेटली कमर्शियली हमारे क्लाइंट्स पे वगैरह बहुत प्यार से यूज़ कर सकते हैं। अगेन जो तीसरा ब्रेड था उसका भी हमने सेम किया है। यहाँ पे आगे के बाल बहुत पतले स्कैंटी और छोटे भी हैं तो हमने उन्हें सिर्फ कर्ल करके इस तरह स्प्रे से सेट किया है। यहाँ पे कोई भी फंकी सा ब्रोच हमने यूज़ किया है और आगे के बालों में ज़्यादा मूवमेंट देने के लिए हम कर्ल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्यूटीफुली ये पूरा लुक बाहर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।